Ora, Marie, eu queria perguntar assim, तो हमेशा आपके बीच में रहते हैं, आपकी चिंता करते हैं सर, और मतलब जी भाई साहब भी इस रथ पर उपस्थित हैं, आप सभी से आशीर्वाद लेने आए हैं। 7 तारीख को भारी मतों से उन्हें विजयी बनाए और प्रत्येक गुट को कांग्रेस गुट बनाए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और इस रथ पर हमारे विधानसभा में जो चुनाव लड़े जिले के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बंटी बनाजी जी, जिन्होंने दिखा दिया सबने मिलकर अरे तो यार भैया,
Thank you.
जी की पावन नगरी पर हम सबके मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्री मोहन यादव जी आज हम सबके बीच में हैं। साथियों, आज अपना भरपूर आशीर्वाद देकर भगवान श्री राम के चरणों में अपना अमोल पद प्रदान करें और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। साथियों, देश धर्म और राष्ट्र और सनातन के लिए सनातनी भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में वोट दें, हमारे रोडमल नागर जी को वोट दें। आज आपसे यही अपील करने हम सबके नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आप सबके पीछे एक एक वोट आपका सनातन को जाना चाहिए, एक एक वोट आपका राम को जाना चाहिए। साथियों, आपका एक वोट हमारे सनातन धर्म को मजबूत करेगा, भगवान राम के चरणों में जाएगा। मोदी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम की, अयोध्या धाम की जय जय श्री राम। अब की बार, अब की बार, अब की बार। पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे, पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे, पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे। अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे प्रिय सनातनी भाइयों, आपका एक एक मत भगवान राम के चरणों में जाना चाहिए, आपका एक एक मत मोदी जी के झोली में जाना चाहिए, जिससे देश धर्म और राष्ट्र की रक्षा हो सके। जो सनातनी भाई होंगे वो निश्चित कमल के फूल का बटन दबाएंगे। जो राम के अनुयायी होंगे वो निश्चित कमल का बटन दबाएंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपनी बार, अपनी बार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
Para el mate, para el mate.
Yeah.
के जानदार शानदार कार्यकर्ता चल रहे, उनसे आग्रह है रख के आगे आ जाओ, झंडे लेके रख के आगे आओ, सभी साथी रख के आगे, जल्दी जल्दी थोड़ी रख की स्पीड कम करो, रख की स्पीड कम करो थोड़ी, सभी साथी आगे आ जाओ, सभी सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी आगे आए, रथ को रोक के रखे, रथ को थोड़ी देर रोक के रखे, सभी कार्यकर्ता आ गए हैं।
कैमरे का आगे नहीं, कैमरे का आगे नहीं होगा। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ। जे गाड़ी नहीं, बाइक वाली गाड़ी रोक दो। का सौभाग्य है राघोगढ़ की धरती से ये राम भक्त अरे देखना मंच से नीचे आ जाओ भाई, ये तुम्हारे मंचों पे ऊपर आने वाली आवाज और युवाओं के हुंकार ये राघोगढ़ के आज माहौल को बदलने के लिए तत्पर है। समझदार को इशारा काफी, नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। जीवन भर राघोगढ़ में रहोगे और राघो का समय आए तो रावण की जय करोगे। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भगवान राम के मामले में जिस प्रकार से रंगे लगाए, आप देश के दुश्मनों को जी करके बुलाओगे। अरे वो क्या जी है क्या आपके, क्या किसको जी कहोगे ये तो तय कर लो। भगवान करे आप अपने इस राघवगढ़ वालों की इज्जत तो रखो। वो भगवान रामचंद्र जी 500 साल से अयोध्या धाम में सरयू किनारे कांग्रेस और उनके पुराने अंग्रेज और उनके पुराने सबकी मार खा करके बेचारे मन में रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, राम भक्त दुखी हो रहे थे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के काल में कांग्रेस के साढ़े अड़ंगे के बाद भी भगवान की दया से आज वो समय आया है जिस समय पर हमको लगेगा भाई एक बार नारा बोलेंगे तो धरती हिल जाएगी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कहने के लिए कह रहे हमने कहां कहा, हमने कुछ बोला ही नहीं, हमने राम राम द्रोही है ही नहीं। अरे भैया चुनाव में आप तो वैसे भी राघवगढ़ निवासी हो, आपने कभी भगवान राम का मंदिर बनने के पहले या बाद में 5 महीने हो गए अभी तक राम जी के दर्शन करने की हिम्मत हुई क्या, फिर ने फोटो देखा क्या? तो फिर राम का नहीं। आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री
पहले आप सार्वजनिक मंच लगाओ और माफी मांगो पूरे कांग्रेस के पाप के लिए कि हमने जितने अलग लगाना लगा लिए। ये तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दो, कोर्ट में मामला भी निपटा और भगवान राम के धाम में आनंद भी समाया। बोला जय सियाराम। आज के इस दौर में चुनाव की सभा में हमारे सबके सामने पूरे 5 साल पहले याद करो, एक वोट देने के पहले 14 के पहले कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन पूरे देश में आतंकवादी घटना के पुरते थे। कभी मुंबई, कभी दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ आतंकवादी घटना होती थी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बहाने बंद कर दिए जो कांग्रेस के लोग कहते थे। हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि आतंकवादी की फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर है, हमारे हाथ में नहीं है। ये सारे कांग्रेस के बहाने। मुझे प्रसन्नता इस बात की नरेंद्र मोदी ने 2013 में प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनना स्वीकार किया और हुंकार भरी, आप मुझे वोट दो, पूरे देश से आतंकवाद समाप्त करूंगा। जनते की जोर याद करो, 2014 के बाद कई आतंकवादी घटना हुई तो बताओ, कई आतंकवादी घटना नहीं हुई और भूल से पाकिस्तान ने कर ली। पीछे तो यही भाई साहब ने चुनाव में आया भी, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कहां सेना ने पाकिस्तान में कुछ किया, कहां मरे, कोई मरा के नहीं मरा, कोई था ही नहीं। इनसे कि हमारी सेना मारने जा रहे, उसके पहले खून के साथ चाय पार्टी कर लेते, बेटा वहीं बैठ जाते, तुम चले जाते वहां। हमारी सेना के जब बम गोले गिरते तो बताते थे कि वहां बम गोले गिरे कि नहीं गिरे। आप सेना का अपमान करो, आप आतंकवादियों को मरने में खुशी मनाओ, आप नाराज होगे, पूरे देश को लज्जित करोगे, तुम मरना चाहिए अगर आप ये बात करते हो। मुझे तो शर्म नहीं आती, ऐसे कैसे लोग हैं चुनाव में आकर हिम्मत कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं, वो भी तब जब भगवान राम का मंदिर बन गया। बोला जय सियाराम। कांग्रेस और इनके घमंडी गठबंधन के लोग जो कह रहे थे, इनका घमंड भगवान राम के समय के रावण से भी बड़ा हो गया था, जिसकी 10-10 मुंडियां थी, भले ही सोने की लंका थी लेकिन दिमाग में खोपड़ी में उल्टे ही उल्टा भरा। उस समय भी यही हाल था, कितना धनी हो जाए, कितनी ताकत हो जाए, लेकिन दिमाग मुकाम पे नहीं तो क्या करे, उल्टे उल्टे काम करे। भगवान राम के मामले में लंगे लगा है, माता सीता का अपहरण कर ला है, और माता सीता का अपहरण आप देख लेना राघवगढ़ वासियों, याद करना, माता सीता तो अपनी कुटिया में थी, एक नकली आदमी आया था, नकली, जिसने भगवा लपेटा, क्या लपेटा, अभी भी लपेट रहा है, याद रखना, और वो ललचा रहा सीता माता को, आपके वोट की तरह वो आपको थमा रहे हैं, आ जाओ बहन जी हमारे पास, ये हमको भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा में वोट दे दो। लेकिन आप याद रखना, माता सीता भुलावे में आ गई थी, लक्ष्मण रेखा पार मत होने देना, आप ध्यान रखना। और यहाँ तो भगवान की दया से हमारे बीच हमारे से पहले ही एक लक्ष्मण भाई याद दिला रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा मत पार करना, मोदी जी की बात भी कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ भाई लक्ष्मण के लिए। हम और आप क्या कहें, आपके सबके सामने वर्तमान के माहौल में हम और आप याद रखना, वो रावण और राम का युद्ध हुआ, रावण मानने को तैयार नहीं था, उसकी मुंडी पे तीर लगे, कट जाए फिर जुड़ जाए, बार बार खड़ा हो जाए, बार बार खड़ा हो जाए, तो लोगों ने कहा, माननीय सेना देख रही थी कि रावण मरते ही नहीं, क्या चक्कर है, तो राम जी से विभीषण ने कहा कि भगवान ये नहीं मरेगा, इसको मरने के लिए टूटी देखो, टूटी इसकी अमृत टूटी में है, ये रावण भले ही शक्तिशाली है लेकिन मरने के लिए इसकी टूटी का अमृत जलाना पड़ेगा, कांग्रेस को भी मारने के लिए कमल का फूल खिलाना पड़ेगा, कमल का फूल।
तैयार हो, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, तैयार हो जाओ और संकल्प करो अगली बार तो अभी राम मुस्कुराए, महाकाल मुस्कुराए, अभी गोपाल जी इंतजार कर रहे हैं जमुना जी का, कृष्ण कन्हैया। हम और आप संकल्प करें अगले इस चुनाव के बाद गोपाल कृष्ण को मुस्कुराने के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। बोलो सब तैयार है, सब तैयार है, तैयार है। गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, रामचंद्र जी महाराज की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चल उतर उतरे, वाइट कर।